हाय गाइज, नमस्कार। आज हम किताबी ज्ञान से हटकर ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवाना चाह रहे हैं जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों का सफल इलाज कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, स्लिप डिस्क का होना, साइटिका की प्रॉब्लम होना, कमर दर्द होना, अनेक प्रकार के हाथों में दर्द होना, अर्थात नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका सफल इलाज करते आए हैं। हम रूबरू होते हैं डॉक्टर राजकुमार से, जिन्होंने अपने 28 साल के इस इलाज के दौरान लगभग 10 लाख व्यक्तियों का सफल इलाज किया है। उनका कहना है कि उनके पेशेंट्स में से लगभग 90% पेशेंट्स को 100% फायदा हुआ है। तो चलो उन्हीं से उनका परिचय प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार वर्मा, पैसे से मैं व्याख्याता हूँ। मालदा सीनियर हाई स्कूल मालदा में कॉमर्स व्याख्याता पद पर कार्य कर रहा हूँ। बीते सन 1993 से मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से उपचार कर रहे हैं, वास्तव में ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है क्या? मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति पूर्णतः भारतीय पद्धति है, लेकिन भारतीय पद्धति में लगातार इसका प्रसार नहीं होने से, इसका लोगों ने सहयोग नहीं करने से चाइना ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया और चाइना ने इसको मॉडिफाई करके कई तरह के पॉइंट्स निकाले। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूर्णतः भारतीय पद्धति है। इसको अगर सही तरीके से किया जाए, मन से किया जाए और बिना धन के किया जाए ज़्यादा, तो ये ज़्यादा कार्यक्रम है। इस पद्धति में किसी प्रकार की मुफ्त दवाई नहीं जाती है। शरीर के मूल बिंदुओं को दबाकर उनके संबंधित ऑर्गन्स को ठीक करने का काम ये करती है। हाँ, तो डॉक्टर साहब कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये मैं एक्चुअली क्या था कि 1986-87 में उन्होंने लियो क्लब बनाई थी मालपुरा के अंदर, जो सोशल सर्विसेज के लिए काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय क्लब है, उसका मैं सेक्रेटरी था। तो उसमें क्या सोशल सर्विस करने का हमारा बहुत अच्छा रहता है, कैसे मेरा मान सामाजिक सेवा की जाए। तो उसमें हमने स्टेट सेक्रेटरी का अवार्ड जीता हमने वहाँ सिरस्का के अंदर। कई बार हमने कैंप भी लगाया, आंखों कैंप भी लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, खून दिलवाया भी, दिया भी हमने। तो फिर क्या हुआ कि ये नई चिकित्सा हमारे समझ में है कि कोई एक चिकित्सा ऐसी है जिससे इलाज होता है। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास मेरे पापा खादी में सेक्रेटरी थे, उनके पास डॉक्टर साहब आया करते थे। उन्होंने बताया कि राजकुमार जी एक स्थिति पद्धति चली दबाने से, पॉइंट दबाने से पेशेंट ठीक होता है। हमने वो पॉइंट्स का चार्ट हमारे पास लिया, उसकी जेरोक्स करवाई और हम लग गए इस काम के अंदर। रात रात भर उसमें जल्दी देखते किसी को आराम मिलता, हम फिर बुलाते उसको। इस तरह से 93 से हमने ये काम चालू किया और बिना दवाई के इलाज, गरीब पीड़ित मानव सेवा का इलाज है, इसलिए हमने इसको चुना। और आज हमने करीबन 10 लाख पेशेंट इस बारे में देखे होंगे, जिसमें ज़्यादातर स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन, डिप्रेशन, कमर दर्द, पैर दर्द, गर्दन दर्द, कई तरह की जो महिलाओं की बीमारियाँ, उन सबका हमने बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया। आपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है कहीं से? बिल्कुल, मैंने इसका जोधपुर में हमारे एक पेशेंट था मालदा जी, आपकी ओर चली गई थी, तो उसको हमने देखा, उसमें हल्का सा विजन आ गया। तो हमने जोधपुर के अंदर एक चंचल मल चोरडिया है, आशा बिड़ला, वहाँ पर हम उनको लेके गए। वहाँ बॉम्बे के डॉक्टर थे विपिन भाई शाह, उनका एक बड़ा कैंप लगाया था उन्होंने, तो हमने वहाँ रहकर उससे पूरी शिक्षा हासिल की और उससे लेने से हमने ज़्यादा हमको अच्छा लगा। और जूनियर सवार हुआ किस प्रकार हम मानव की सेवा करें, और तो सबसे आज लगातार उसके सेवा। हाँ, तो नरेश जी, आपको एक्यूप्रेशर से डॉक्टर साहब से इलाज कराने के बाद में क्या फीलिंग हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पहले भी चलने फिरने में बिल्कुल लगभग असमर्थ था, 150 कदम भी नहीं चल पा। जब से मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आए हैं, मेरे चलने में काफ़ी सुधार, लगभग 50% से ज़्यादा मुझे आ रहा।
डॉक्टरों के पास तो केवल इसका ट्रीटमेंट के नाम पे ऑपरेशन है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर राजकुमार साहब जो ये लगभग गारंटी देते हैं कि आप बगैर किसी ऑपरेशन से स्वस्थ हो सकते हैं, यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी। थैंक यू। अब ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है? एक जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है, अपने शरीर में कुछ गुण ऐसे दिए हुए हैं जिनसे ये शरीर जो ऑर्गन्स अनएक्टिव हो गए उनको एक्टिव करती है। हालांकि प्रोसेस लंबा होता है इसका, इसमें इलाज होता है, लेकिन ऑर्गन्स को ओके करती है जो किसी भी दवा से कितने से ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जो सेल्स डेड हो गए उनको एक्टिवेट करती है। अब मैं बताऊँ आपको, ब्रेन से रिलेटेड जिनके लकवा हो जाता है उन लोगों को भी ये प्रोसेस बहुत फ़ायदा होता है। ब्रेन डिप्रेशन होता है उसको फ़ायदा होता है, माइग्रेन होता है उसको फ़ायदा होता है, यहाँ तक कि जिन लोगों को दिमाग से नींद नहीं आती है उन लोगों को भी एक चिकित्सा द्वारा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स वगैरह दबा के हम उनको इलाज करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि मेरे ऊपर से बस हो गई, हमने कई लोगों को ऐसे ठीक किया है। अभी एक पेशेंट होता था वो डालू राम नाम से, मुझे रोता हुआ था आज भी ओके है। इस तरह कारगर बहुत अच्छी है, लेकिन नर्व सिस्टम रिलेटेड कोई बीमारी उसको हम पूरा ठीक करते हैं। हड्डी से रिलेटेड बीमारियाँ हमारे यहाँ ठीक नहीं होती है। एक तो चिकित्सा के अंदर नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको ठीक करते हैं। और नर्व सिस्टम का इलाज एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है। एलोपैथिक में आपको MRI करवाएंगे, वो नहीं होती सिर्फ इसकी, लेकिन ठीक करने के उपरांत के बाद सीधा ऑपरेशन है, ऑपरेशन द्वारा ठीक करते हैं। कई बार ऑपरेशन से ऐसी नस कट जाती है कि आदमी के हाथ पे ले जाते हैं। तो ये चिकित्सा पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समय लगता है, लेकिन जो जिन वर्टिब्राज में कंप्रेशन आ गया उसमें इससे ट्रेसिंग देके ठीक करने की कोशिश। हाँ तो डॉक्टर साहब, इस चिकित्सा पद्धति में एक पेशेंट को कितना समय लगता है ठीक होने में? अलग अलग बीमारी अलग अलग टाइम लगता है। सिर्फ डिस्क जो होती है ना, सिर्फ में L4, L5, S1 पर ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं, लंबर पार्ट में L4, L5 और S1। अब एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर तो उसका ऑपरेशन बताया करता है, इसका सीधा ऑपरेशन होगा, क्योंकि एलोपैथी में इसके अलावा कोई उपचार नहीं है, दवाई भी देगा। टोटली नर्व सिस्टम रिलेटेड बीमारी है, आदमी के स्ट्रेस रखने से ये बीमारी होती है। दुनिया में अगर तनाव रखता है, आदमी इरिटेटेड होता है, गुस्सा करता है, उससे संबंधित बीमारी है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं, लेकिन आदमी के स्वभाव से बीमारी बनती है। सिर्फ इसी से करता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कम से कम भी 15 दिन का लगातार एक बार ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है, उससे आदमी करीब 60% के आसपास उसका फायदा हो जाता है। इसके बाद को एक राउंड करते हैं, साथ में इसको अपने आप को एवेड रखनी पड़ेगी, झुकना बंद करना पड़ेगा, काम करना कम करना पड़ेगा, और थोड़ा अपनी प्रकृति को चेंज करना पड़ेगा, जब जाके ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलने के आसार हो। इलाज के दौरान क्या पेशेंट्स को दवा लेने की आवश्यकता है? दवा लेने कोई जरूरत नहीं है, इलाज रेस्ट अगर करेगा दवा लेने जरूरत नहीं है। बहुत दर्द होता है तो कभी कभी SOS है, मतलब कभी कभी एक टेबलेट ले लें, बाकी नर्व रिलेटेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, हम इनको पूरा प्रेशर करते हैं। हमारे सारी चिकित्सा पूरे पैर में ही है, इसी में स्पाइनल कोड हमारी पूरी, इसको 31 भागों में बटी हुई है, सर्वाइकल, थेरोसिक, लंबर, सेकल और कोशिक, लास्ट पॉइंट कोशिक होता है, टोटल 31 पॉइंट है। तो हम लंबर पार्ट के पॉइंट पर इनको प्रेशर लगाएंगे, उसके पहले हम ब्रेन के पॉइंट को देंगे, उससे इनको एक्टिव होगा, ब्रेन अपने आप अगले पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब से इलाज के दौरान आप कैसा फील कर रहे हैं? राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, रातारामगढ़ तहसील खजरियावास, और मेरा जॉब सर RTC नीमच में है सर। तो मेरा ये हाल हो गया था सर कि मैं गुरुजी के पास आया था, उसमें मैं बहुत दिक्कत और परेशानी को जूझ रहा था सर, लेकिन अभी मेरे को 99% फ़ायदा है सर। 99% जी सर, बहुत बढ़िया बात है। और सर ये मेरे साइटी का गा था, मैंने डॉक्टरों को हर जगह दिखाया मैंने सर, लेकिन मेरे को एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने इस दर्द में नाना भी 40-50 हज़ार रुपये खर्च किया, लेकिन एक पैसे का फ़र्क नहीं है। लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद में मुझे इतना राहत मिला है सर कि अभी मैं वापस जैसा था वैसा हो गया सर। थैंक यू सर। ये रश्मि दायमा है, जयपुर की पेशेंट है। उनकी एक साल पहले कमर दर्द था बहुत ज़्यादा, तब मेरे पास आई थी,
आज ही पेपर फिर आई है, हल्का कमर दर्द है। कश्मीर दर्द कैसे है आप? पहले से आराम है? बहुत बढ़िया, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं आए हैं, घर वालों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं, वो पेशेंट्स अपने पैरों पर खड़े होकर गए हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने के बाद में। थैंक यू।